जौनपुर खुठन थाना क्षेत्र के धमोर गांव में गेहूं की फसल काट रहे एक युवक पर दबंग ने हमला बोल दिया। पहले लात घूंसे चले, इसी बीच हमलावर दबंग ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली से एक युवक घायल हो गया, उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद आरोपी की तलाश कर रही है। बंदनपुर गांव निवासी गिरधारी प्रजापति अपने पुत्रों के साथ गेहूं की कटाई कर रहे थे। आरोप है कि तभी जमीन धमोर निवासी रामराज यादव खेत में पहुंच गए और चुनाव में मतदान को लेकर गाली गलौज करने लगी। आरोप है कि इसका विरोध करने पर रामराज ने अवैध तमंचा निकालकर फायर छोड़ दी। गोली गिरधारी के 33 वर्षीय पुत्र मुन्ना प्रजापति की बाह में लगी। फायर की आवाज सुनकर लोग भागने लगे। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस घायल को उपचार हेतु अस्पताल ले गई, जहां हालत गंभीर देख उसे जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। घायल के पिता ने थाने में रामराज के खिलाफ नामजद तहरीर दी है।